गीडा थाने की पुलिस ने 3 लुटेरे के ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने बताया कि गीडा थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान अखिलेश यादव उर्फ रतन यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी जंगल अखलासपुर थाना बेलीपार गोरखपुर, दूसरा गोलू उर्फ सत्या यादव पुत्र पारस यादव निवासी पिपरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर, तीसरा बेचू निषाद पुत्र रामदर्श निषाद निवासी मुरली छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर हाल मुकाम बाघागाड़ा छोले भटूरे की दुकान थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि अभियुक्त का एक सुसंगठित गैंग है तथा यह अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए संगठित अपराध करते हैं तथा अपराध से प्राप्त धन को अपने शान शौकत में प्रयोग करते हैं, जिनके खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने कहा, थाना गीडा पर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों अखिलेश यादव गोलूर सत्या यादव और पेचू निषाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा बगंदौरा संख्या 542/22 थाना गीडा में पंजीकृत किया गया है। पेचू यादव गोलू उर्फ सत्या यादव और अखिलेश यादव के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास विभिन्न थानों में पंजीकृत है। अखिलेश यादव के ऊपर कुल 18 मुकदमे, गोलू सत्य यादव के ऊपर 8 मुकदमे और बेचू निषाद के ऊपर अब तक 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर के तहत अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात इन लोगों की संपत्ति तस्दीक की जा रही है, शीघ्र ही इनके विरुद्ध 14 की कार्रवाई की जाएगी।